Bismillahirrahmanirrahim. Madam Principal, valued staff and faculty members, dear guests, and my dear rising Lahorians, Assalamu alaikum. What a wonderful show, what great performances, and what a wonderful audience you are. Honestly. And madam, thank you very much for giving me the honor, the privilege to come back to my college after 22 years and do the honors of inaugurating the block. Aur meri pyari students, meri behno, main aap logon se as a chief guest address nahi kar rahi aaj. Main aap logon se as an old student of your college. जो कि अब एक यूनिवर्सिटी है, तब कॉलेज हुआ करता था 22 इयर्स पहले, और मैं उस हैसियत से आपसे मिलने आई हूँ. मैं कोई ख़िताब करने नहीं आई, आपसे बात करने आई हूँ, आपसे मिलने आई हूँ. और मुझे इतनी खुशी हुई, और जहाँ मुझे खुशी हुई यहाँ आकर, वहाँ मुझे नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है. 20 साल पुरानी यादें वापस आ रही हैं. इसी स्टेज पर एक बार मैं इसी तरह, आप ऑडियंस में लोग थे, कोई चीफ गेस्ट आया हुआ था, और इसी स्टेज पे मैं एक बार जो है नात कंपटीशन हुआ था, जिसमें मुझे भी शर्फ हासिल हुआ था नात पढ़ने का, जिसमें मैंने एक प्राइज़ भी जीता था. और जो डे केयर सेंटर का आज जो मैंने इनॉग्रेट किया है, वो एक इतनी बड़ी चीज़ है. वो मेरा जो कॉज है जिसके लिए मैं बाहर निकली हूँ, मैं आप लोगों के लिए बाहर निकली हूँ. और उसमें मुझे लगता है कि एक स्टेप है टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, उनको मेंटली एम्पावर करने के लिए जब वो घरों से निकलती हैं किसी काम के लिए, और फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या अपना करियर बनाने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको एक पीस ऑफ माइंड के साथ वो निकलें, उनको सुकून के साथ उनको काम करने का मौका मिले. क्योंकि आप लोग सब मेरे साथ अग्री करोगे कि पाकिस्तान की जो लड़कियाँ हैं, पाकिस्तान की जो औरतें हैं, वो किसी से दुनिया में कम नहीं हैं. जिस मुल्क में आज हम सांस ले रहे हैं, जिस फिज़ा में, आज़ाद फिज़ा में हम सांस ले रहे हैं, हमको हर तरह की आज़ादी है, मज़हबी आज़ादी है. और वैसे हम इस मुल्क में पाकिस्तानी की होने की हैसियत से जाने जाते हैं. मैं पूरी दुनिया में जाती हूँ, मुझे ये पता है कि पाकिस्तानियों की क्या इज़्ज़त है वहाँ पर, और वहाँ पर हम एक सेकेंड रेट सिटीजन्स होते हैं. तो अपने मुल्क की कदर हमें जाननी चाहिए, सिर्फ स्किट्स की हद तक नहीं, सिर्फ मिली नगमों की हद तक नहीं, आई थिंक उसकी स्पिरिट को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए.